our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव में अब कम ही समय बचा हुआ है। इस बीच वाराणसी पहुंचे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर उनकी भारतीय जनता पार्टी से कोई भी नाराजगी नहीं है। नॉमिनेशन में नजर नहीं आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो अन्य दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार यूपी में एनडीए 80 में से 80 सीट जो है वो जीतने वाली है। वहीं सुभाषपा विधायक जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, बांदा जेल कासगंज जेल में बंद हैं, वो आखिरकार किसको वोट करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारे 6 विधायक हैं, उनमें से एक यानी कि मुख्तार अंसारी के बेटे जेल में हैं। हमारे 5 विधायक एकजुट हैं, हम लोग एनडीए के प्रत्याशी को वोट देंगे। अब्बास अंसारी के वोट देने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम एनडीए से बात करेंगे कि अगर इसमें कुछ कर सकते हैं तो कोई एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। तो अभी तक मंत्री न बनने पर भी राजभर ने बड़ी बात बोली है। यूपी सरकार ने अभी तक मंत्री न बनाए जाने के सवाल पर राजभर ने कहा कि सबसे ज्यादा चिंता समाजवादी पार्टी को है। समाजवादी पार्टी में जितने भी मुस्लिम विधायक हैं, अगर जरा भी उनका अमीर जिंदा है तो उनको वोट का बहिष्कार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों का हक जो है वो लूटती है। राजभर ने दावा भी किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में सुभाषपा एनडीए के बैनर तले 3 सीट पर यूपी में जबकि बिहार में 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी खूब बोले ओम प्रकाश राजभर। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारत को जोड़ने की जरूरत क्या है, भारत टूटा ही कब था, अगर भारत कहीं टूटा है तो फेविकोल आ गया है, उसको लगा दो तुरंत जुड़ जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा का कोई मतलब नहीं है। बाकी जिस तरीके से तमाम सवालों के जवाब ओम प्रकाश राजभर ने दिया और खास करके अब्बास अंसारी को लेकर जो बात कही है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।